नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए न्यू न्यू टिप्स। तो ये देखिए, हमने चार्जर लिया है। तो चार्जर जब टूटता है तो यहीं से ये टूट जाता है, यहाँ पे ज़्यादा मुड़ता है तो यहीं से टूटता है। तो ये हमने धागा लिया है, ये देखिए इस तरह से इसे हम डबल कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, ये देख वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखिए बड़ा वाला धागा पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से इसे घुमाते हुए हम इसी तरह घुमाते जाएंगे, पूरे में नीचे तक लाएंगे। ये देखिए घुमाते हुए इसे अच्छे से पूरा ये कवर कर देंगे। तो इससे ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा, अगर मुड़ेगा तब भी नहीं टूटेगा। पहले तो ये मुड़ेगा नहीं, इतना धागा से टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने लपेट लिया ऊपर तक। उसके बाद ये जो धागा दिख रहा है यहीं पे हम ये वाला धागा डाल देंगे जो घुमाते हुए लेके गए। उसके बाद ये नीचे वाला खींच देंगे जो हमने छोड़ा था, ये देखिए इस तरह से अच्छे से ये खींच जाता है, अच्छे से टाइट भी हो जाता है। तो ये देखिए इसे इस तरह से मजबूत बना सकते हैं आप। और उसके बाद इसे हम कट कर देंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि टिप्स पसंद आएगी आपको, ज़रूर करके देखें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है ये। ये देखिए बहुत मजबूत हो जाता है। तो अगला टिप्स हमारा है इस तरह से मिर्ची से। तो बरसात में मिर्ची हम रखते हैं तो ये कभी कभी इसमें छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद सी कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे मिर्ची हमारी ख़राब हो जाती है, फंगस जैसी लग जाती है। तो क्या करेंगे, हम नमक लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा मिर्ची है तो थोड़ा ज़्यादा नमक डालें, आधी चम्मच, अगर ज़्यादा है तो ये कम है इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे तो इससे कीड़े नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला टिप्स हमारा इस तरह से चुन्नी या साड़ी से है कि पिन लगाते हैं हम। ये देखिए सेफ्टी पिन लगाते हैं जब भी, तो ये उलझ जाता है और फंस जाता है, बहुत ही मुश्किल से फिर निकलता है। ये देखिए इस तरह से जब लगाते हैं तो ये नीचे आ जाता है इसमें फंस के, तो बहुत मुश्किल हो जाती है निकालने में। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, टिप्स अपनाएं और इस तरह से आप टिप्स को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, या तो ये इस तरह से मोती डाल लें इसमें तो ये नहीं फंसेगा। ये देखिए इस तरह से पिन लगाएंगे तो कभी भी ये नीचे साड़ी या चुन्नी नहीं आएगी, इसलिए नहीं फंसेगा। और अगला है कि ग्लू गन लेंगे हम और यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसे चिपका लेंगे ठंडा होने तक। तो ये देखिए इस तरह से इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे, इससे भी हमारी साड़ी नहीं फटेगी और आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए अगला टिप्स हमारा है कुकर के ढक्कन से कि जब भी हम दाल बनाते हैं तो ये निकल के बाहर आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा पानी ऊपर आ जाता है निकल के, यहाँ पे सरसों का तेल लगा देंगे, इससे दाल का पानी बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही अच्छी टिप्स है, ज़रूर अपनाएं एक बार आप। तो बिल्कुल भी पानी ऊपर नहीं आएगा। ये देखिए अगला टिप्स हमारा है कुकर की रबड़ से कि ये रबड़ ढीली हो जाती है तो ये सीटी नहीं आती है, ख़राब होने लगती है। तो क्या करें, हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में और एक दो घंटे बाद यूज करेंगे तो अच्छे से सीटी आ जाएगी।